छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की 5 दिनों की हड़ताल का आज दूसरा दिन रहा। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे ये संविदा कर्मचारी सरकार को अपना वादा याद दिला रहे हैं जो चुनाव के दौरान किया गया था। बेमेतरा जिले में भी हजारों कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर हैं, जिसके चलते सभी शासकीय विभागों का कार्य प्रभावित हो रहा है। भारत माता की जय। हर जोर जुल्म की टक्कर में नियमितीकरण तो करना होगा, करना होगा, करना होगा। भूपेश का नियमितीकरण तो करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी में इस वर्ष पिछले वर्ष का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धान खरीदी का आंकड़ा 98 लाख क्विंटल को पार कर चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कृषि एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद 10 लाख किसानों ने वापस कृषि कार्य को अपनाया है। 15 लाख से बढ़ के 24-25 लाख किसान, अभी तक 22 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 लाख किसान धान बेचते थे। तो ये 9 लाख 10 लाख किसानों को बढ़ना 4 साल में, हर साल मतलब 2.5 लाख एवरेज में कृषकों की संख्या में वृद्धि, रकबा में वृद्धि और धान खरीदी 50-60 लाख मीट्रिक टन से कभी ज़्यादा खरीदते नहीं थे लोग। पहले साल हम लोग 84 लाख खरीदे, फिर 92 लाख खरीदे, फिर 98 लाख और इस साल तो 98 लाख का भी ब्रेक, वो भी रिकॉर्ड टूट गया। तो लगातार कृषि लाभदायक धंधा यदि है तो छत्तीसगढ़ में है। जो केंद्र सरकार कहती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम आय दुगुनी करेंगे, वो लोग तो खर्चा दुगुना कर दिए, हम लोग सच में आय दुगुना कर दिए। बस्तर के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगों के लिए महाशिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाने के साथ उनके नाम राशन कार्ड में भी जोड़े जा रहे हैं। इस शिविर में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग भी वितरित किए गए। से पैर लगाए हैं, किन्हीं का हाथ लगाए हैं, किन्हीं का और प्रॉब्लम है, उनका ट्रीटमेंट किए हैं और अपना जिला अस्पताल के माध्यम से इनको आगे भी अपना पैर हाथ जो भी है उनको दिक्कत उनके सहायता करने के लिए हम तत्पर रहेंगे और पहले भी हैं और अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे और ये निःशुल्क प्रदाय किए जाते हैं। समाज कल्याण विभाग की उप संचालक वैशाली मरडवार ने बताया कि सभी पंचायतों में लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि दिव्यांगजनों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें। इस शिविर की विशेषता ये है कि हमारे यहाँ पर इनका UDID तो बनी रहा है, इसके साथ साथ में परिवहन पास, राशन कार्ड में 10 किलो अतिरिक्त चावल की सुविधा और आधार कार्ड जिनका नहीं बना हुआ है उनके आधार कार्ड भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। और जो विशेष महत्वपूर्ण बात मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कोरोना काल के पहले हमारे सिर्फ 27% लोगों के पास UDID कार्ड था। सतत हमने स्वावलंबन रथ के माध्यम से और अभी आत्मनिर्भर मिशन के तहत जो है हम लोगों 77% लोगों के पास पहुंच चुका है ये UDID कार्ड और अगले 4 महीने में ऐसे शिविरों के माध्यम से हम इसको 100% करने की हमारा जो लक्ष्य है उसको जरूर हम लोग हासिल कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा चुनावी राज्यों में महिलाओं को प्रतिमाह 2,000 रुपए देने का वादा किया जा रहा है, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी की विधायक व प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा कि प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ सरकार को भी महिलाओं से किए गए वादे याद दिला दें ताकि यहां की बहनों का भी कुछ भला हो सके। आप माननीय मुख्यमंत्री जी को कहकर हमारी बहनों से किए हुए वादे को पूरा करवाएंगे। हमारी बहनों को जो 60 वर्ष से ऊपर है उन्हें 1,000 रुपए पेंशन की बात कही थी, 50 महीने के हिसाब से 50,000 रुपए हुए। 75 वर्ष से ऊपर की जो बहनें हैं उनको 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन की बात कही, उसके हिसाब से 75,000 रुपए हुए। हमारी सभी विधवा बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह की बात इस सरकार ने कही, उसके हिसाब से 50,000 रुपए हुए। साथ ही साथ पंचायत शिक्षक की विधवा बहनें कई महीनों से वो अपनी मांगों को लेकर, नियुक्ति को लेकर सरकार के विरुद्ध धरने पर बैठी हुई हैं। साथ ही साथ हमारी मितानिन बहनें जिन सरकार ने जिनसे वादे किए थे इन बहनों के साथ, उन वादों को भी सरकार ने पूरा नहीं किया है। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर।
जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान, होम्सलॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाओ, मैंने ऐसे घर की कल्पना की थी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगरी निकाय स्तर पर धरना प्रदर्शन कर आंदोलन किया जा रहा है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। लेकिन उनके प्रभारियों के हंटर का नतीजा है कि वे बिना जन समर्थन वाले आंदोलनों की राह पकड़े हुए हैं। देखिए, इनके पास कोई मुद्दे थे ही नहीं, चार साल तक सोए रहे, अब चुनाव आ गया, छह महीना बचा है, वहां से हंटर वाली चली गई, जामवाल जी भी असफल हुए, अब माथुर साहब आए हैं, वो इनको चाबुक लगा रहे हैं और दौड़ रहे हैं लोग, तो वो जहां तहां कहीं कहीं मुद्दे उठा रहे हैं। अभी जिस प्रकार से बोला ना कि रासुका लगा दिए, अरे आपके शासनकाल में तो 9 बार लगा और उसको अभियान चलाए हैं भूपेश सरकार में अघोषित आपातकाल, तो 9 बार लगाए थे, वो क्या था? तो ये इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश लगातार। रायपुर का महाराष्ट्रीयन तेली समाज पुनर्विवाह को लेकर सकारात्मक मानसिकता का परिचय दे रहा है। समाज के द्वारा कम उम्र में विधवा या फिर तलाकशुदा युवतियों को परिचय सम्मेलन के माध्यम से सामाजिक रीति रिवाजों के जरिए एक बार फिर दाम्पत्य जीवन जीने का अधिकार दिया जा रहा है। समाज के अध्यक्ष राजकुमार बारबूधे ने बताया कि समाज के द्वारा कमजोर और निर्धन परिवारों को भी सामूहिक विवाह के माध्यम से मदद की जाती है। देखिए, पुनर्विवाह का तो ऐसा है, यदि यंग एज में कोई विधवा हो जाती है और उसकी लाइफ को सेटल करने के लिए हमारा ये मत है कि पुनर्विवाह उसका होना चाहिए, और इसमें जो भी समाज के द्वारा जो पहल की जानी चाहिए वो पहल की जाती रही है। हमने परिचय सम्मेलन में ऐसे लोगों को भी इनवाइट किया कि वो अपना परिचय दें और अपना बायोडाटा दें, और ताकि हम लोगों समाज में इसकी जानकारी समाज वालों को दे सकें। और जो है ये पुनर्विवाह जो है उसमें हमारे समाज की तरफ से पुनर्विवाह एक कराया भी जा चुका है पुनर्विवाह के, और हम चाहते हैं कि ऐसे आयोजन भी होते रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार उस कहावत को चरितार्थ कर रही है जिसमें बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है। उन्होंने कहा कि 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जश्न मनाने वाली राज्य सरकार कभी यह नहीं बोलती कि राज्य का 90% धान केंद्र सरकार खरीद रही है और 90% राशि का भी भुगतान कर रही है। वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। बस्तर में स्थापित नगरनार स्टील प्लांट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नगरनार प्लांट का निजीकरण न किए जाने और राज्य सरकार के आधिपत्य में लिए जाने का संकल्प विधानसभा में पारित भी किया गया था, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हर काम उल्टे होते हैं, चाहे आरक्षण हो या फिर नगरनार प्लांट का मामला। ये तो हम तो जनता के साथ हैं, बस्तर की जनता नहीं चाहती कोई निजीकरण हो, और इसीलिए उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हम लोग विधानसभा में ये शासकीय संकल्प लाए थे कि ये नगरनार को राज्य सरकार को दे दे, इसका निजीकरण ना किया जाए, क्योंकि संकल्प आया था शायद शासकीय या शासकीय, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन विपक्ष ने कहा कि यदि शासन खरीद ले, हमने कहा उसको फिर उसको भी जोड़ दिए थे, तो उन्होंने समर्थन किया था।
तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन तो करती है विधानसभा में, लेकिन बाद में काम उल्टा करती है, चाहे आरक्षण वाला मामला हो चाहे नगर नार के निजीकरण का मामला हो।